नमस्कार दोस्तों, तपस्या एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 20 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बताइए 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन है, 20 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बताइए 16 आदमी उसे उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट, इसमें आप लिखिए M1D1 बराबर M2D2। फार्मूला यूज करेंगे M1D1 बराबर M2D2। M1 मतलब, M मतलब मैन, तो M1 दिया है 20 आदमी, एंड 20 आदमी D1 दिया है 8 दिन। ये 20 आदमी यानी M1 मतलब मैन और D1 मतलब डे, तो T1 मतलब 8 दिन में करते हैं, तो बताइए 16 आदमी यानी कि M2 16 है, तो D2 यानी कि कितने दिन में करेंगे, तो D2 निकालना है। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। M1 यानी 20 आदमी 8 दिन, 16 आदमी कितने दिन, D2 निकालना है। काट दो, 8 एकम 8 दूनी 2 10, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 दिन। ये हुआ पहला क्वेश्चन। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, हाँ तो अगला क्वेश्चन है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 10 दिन में करते हैं। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 10 दिन में करते हैं, तो बताइए 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें हम सॉल्यूशन में इसका जो फार्मूला यूज करेंगे, M1D1H1 बराबर M2D2H2। पहले क्वेश्चन, इससे जो पहला क्वेश्चन देखा उसमें दिया था 20 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, यानी उसमें घंटे की कोई बात नहीं की गई थी। तो हम लोगों ने वहां पे फार्मूला यूज किया था M1D1 बराबर M2D2। यहाँ घंटे की बात हो रही है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो फार्मूले में घंटे बढ़ जाएगा यानी एच बढ़ जाएगा, आवर बढ़ जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा M1D1H1 बराबर M2D2H2। तो यहाँ पर क्या दिया है, M1 दिया है 15, H1 दिया है 8, एंड D1 दिया है 10। निकालना क्या है, दूसरा दिया है M2 दिया है 10, नहीं M2 दिया है 12, H2 दिया है 10, और D2 निकालना है। सारी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 15 यानी कि 15 D1 10 H1 8 बराबर M2 12, D2 निकालना है, H2 पहले लिख लेते हैं और ये D2, तो 10 से 10 कट गया, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 3 5 15, 5 दुनी 10, यानी D2 बराबर कितना आएगा, 10 दिन। इसका मतलब है कि 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। तो ये आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, 20 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिन में करते हैं। 20 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिन में करते हैं, तो बताइए 24 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करें, जिससे कि इस काम का, किस काम का जो पहले हो रहा था, इस काम का दोगुना काम 14 दिन में समाप्त हो जाए। यानी कि यहाँ पे दिन दिए हैं आपको, यहाँ पे घंटे फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर फार्मूला जो हम यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे M1D1H1 अपान W1 बराबर M2D2H2 अपान W2। फार्मूला फिर चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चनों में काम नहीं दिया था, यहाँ पर काम दिया है, यानी पहले जो काम हो रहा था बाद में उस काम का दोगुना काम हो रहा है। तो जो काम आएगा, पहले आया फार्मूला M1D1, फिर आया दूसरे क्वेश्चन में M1D1H1 घंटे क्वांटिटी, ऐसा कुछ आएगा, सामने ऐड करेंगे यानी सामने मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जो काम आएगा वो नीचे डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन में काम आया, तो काम यहाँ W1 और यहाँ पर W2। तो अब गिवेन क्या क्या है, गिवेन है यहाँ पर M1 20, H1 7, D1 12, एंड W1 मान लो 1। नेक्स्ट में कह रहे हैं इस काम का दोगुना, यानी कि, तो बताइए 24 आदमी यानी कि M2 24, H2 कितने घंटे निकालना है, D2 14, और W2 2 मान लो, यहाँ पर 1 माना है तो यहाँ पर 2 मान लिया, यानी पहले का दोगुना, इस काम का दोगुना काम। तो पहले मान लिया काम 1 हो रहा था, अब 2 हो रहा, दोगुना हो गया, तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, 20 D1 मतलब 12,
एच वन मतलब 7 एंड डब्ल्यू वन मतलब 1, यहाँ एम टू 24, डी टू मतलब 14, एच टू निकालना है और डब्ल्यू टू कितना है 2, काट पीट दो, 12 दूना 24 और ये 2 से 2 काट दो, 7 7 दूनी 14, इस 2 से ये काट दो 10, तो कितना बचा, एच टू बराबर 10 घंटे। तो कितने घंटे, एच टू ही निकालना था, तो कितने घंटे में काम हो जाएगा इस काम का 2 गुना, 10 घंटे में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप क्वेश्चन का चेंज है। यहाँ पर कहा गया 10 आदमी अथवा 20 महिलाएं, यहाँ पर अथवा यानी और लिखा है, 10 आदमी अथवा 20 महिलाएं काम को 13 दिन में करते हैं, तो बताइए 24 आदमी और 17 महिलाएं, यहाँ पे अथवा लिखा, आर लिखा, यहाँ एंड लिखा यानी और लिखा, तो बताइए 24 आदमी और 17 महिलाएं इस काम के दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे, दोगुना काम है। तो यहाँ पर पहले, अब हमें डायरेक्ट नहीं दिया है कि 10, अब यहाँ काम या तो 10 आदमी कर रहे हैं या तो 20 महिलाएं कर रही, यानी कि एक काम है, चाहे वहां पर 10 आदमी लगा दीजिए या 20 महिलाएं लगा दीजिए, तो क्वांटिटी हमें एक बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या गिवेन, रिलेशन क्या गिवेन है हमें, 10 आदमी की बराबर 20 महिलाएं, यानी 10M = 20W, डब्ल्यू मतलब वुमेन, तो 1 आदमी 2 महिलाओं के बराबर है। तो अब हम M2 निकाल लेते हैं, M2 क्या कह रहा है, M2 में क्या कह रहा है कि M2 तो ये क्वांटिटी होगी, ये तो क्वांटिटी हमारी M1 होगी, M1 में M1 बराबर 10 आदमी ले या M1 बराबर 20 महिलाएं ले, तो M1 तो ये हो गया 10 या 20। अब अगर हम M2 है 24 आदमी और 17 महिलाएं, यानी M2 बराबर यहां पर 24 मेन प्लस 17 महिलाएं, तो इसमें दोनों क्वांटिटी को एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो आसान हो उसको कन्वर्ट कर लो। क्या कह रहा है, 1 आदमी बराबर 2 महिलाओं के, तो 1 आदमी 2 महिलाओं के 24 आदमी, तो 24 गुणे 2 यानी कि 48 महिलाओं, 48 महिलाएं और प्लस ये 17 महिलाएं है ही है ऑलरेडी, तो 48 और 17 कितना हो गया, 48 10 58 65 65 महिलाएं हो गया, तो M2 बराबर हो गया 65 महिलाएं। अब पूरी क्वांटिटी को हमने महिलाओं में कन्वर्ट कर लिया, तो M1 फिर हम क्या लेंगे, M1 इसमें से क्या लेंगे, M1 वाली क्वांटिटी भी हम महिला ही लेंगे, तो M1 बराबर 20 लेंगे, फार्मूला वही लगा दो। क्या क्या दिया है इसमें, घंटे दिया नहीं है, इसमें दिया है मतलब मैन दिया है और दिन दिया है और W दिया है, W इसलिए दिया है कि इस काम से दोगुने काम, यानी कि पहले काम एक हो रहा तो मान लो बाद में काम 2 हो रहा है, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2, वैल्यू पुट कर दो, तो M1 कितना है 20, बीस महिलाएं काम को कितने दिन में करती, 13 दिन में, और काम कितना, एक काम। यहां पर M2 कितना है, M2 निकला है 65, D2 निकालना है इस काम के दोगुने काम को कितने, हाँ D2 निकालना है और इस काम का दोगुना काम यानी कि 2 मान लो यहाँ पर, यानी कि W1 बराबर 1 तो W2 बराबर कितना 2, यानी इस काम से दोगुना काम, ये मान लिया, काट पीट दो इसको, ये कटेगा 13 5 65 5 4 20 और 2 इधर चला जाएगा, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा 8 दिन, यानी कि 65 महिलाएं इस काम से दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी जो है हम इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करना, लाइक ही हमारा लोगों का प्रोत्साहन है, और अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।